नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और फैक्ट चेक के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। स्पीड के दौर में सोशल मीडिया भी फास्ट है, तस्वीर और वीडियो वायरल होने में यहां देर नहीं लगती। कुछ को तो आप भी फॉरवर्ड करने में देर नहीं लगाते होंगे बिना ये जाने कि तस्वीर या वीडियो की हकीकत क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, क्या ये वीडियो या तस्वीर सच्ची है या फिर झूठी। किसी भी तस्वीर या वीडियो का फैक्ट चेक जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि बिना सोर्स ढूंढे और सच्चाई जाने सही या गलत के नतीजे पर पहुंचना समझदारी नहीं है। ऐसे ही वायरल खबरों की हम करेंगे पड़ताल और दिखाएंगे आपको उस खबर से जुड़ा पूरा सच भी। सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तारीफों के पुल बांधते एक वीडियो को तेजी से वायरल होते हुए सब देख रहे हैं। वीडियो में कुछ लोग मुर्गा बनकर एक पेड़ का चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून तोड़ने वालों को ऐसे ही सजा दी जाती है। वायरल हो रहे वीडियो की पड़ताल फैक्ट चेक टीम ने भी की, जिसमें क्या नतीजा आया ये इस रिपोर्ट में देखिए। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि योगी राज में कानून तोड़ने वालों को कुछ इस तरह से सजा दी जाती है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कई लोगों को मुर्गा बनने की सजा दी गई है। पुलिस वाले छड़ी के साथ नजर आ रहे हैं। अलग अलग सोशल मीडिया यूजर्स इसे अलग अलग कैप्शन के साथ शेयर भी कर रहे हैं। अगर देखें तो कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार अपने पहले कार्यकाल से सख्त रही है। इस बार भी चुनाव में बीजेपी की तरफ से कानून व्यवस्था को अहम मुद्दा बनाया गया था। साथ ही अवैध निर्माण के खिलाफ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जीरो टॉलरेंस को लेकर चल रही है, जिसकी वजह से सीएम योगी को बुलडोजर बाबा के नाम से भी लोग पुकारने लगे हैं। चुनाव के दौरान भी बुलडोजर का खूब जिक्र किया गया। दूसरी बार सरकार में आने के बाद कई शहरों में अवैध निर्माण पर योगी सरकार का बुलडोजर चला है। हालांकि वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है इस पर हमें थोड़ा संशय था, क्योंकि जितने भी लोगों को मुर्गा बनने की सजा दी गई, हर कोई गर्म कपड़े में नजर आ रहा है, जिससे ये तो साफ है कि ये वीडियो हाल के दिनों का नहीं है बल्कि पुराना है। हमारी फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल करने का फैसला किया। हमारे सामने कई सवाल थे। इस तरह की सजा की कोई खबर क्यों नहीं आई? वीडियो कहाँ का है ये भी साफ नहीं। वीडियो ठंड के महीने का है। वीडियो में सभी लोग एक खास समुदाय के नजर आ रहे हैं। हमने रिवर्स सर्च का सहारा लिया। तस्वीर रिवर्स सर्च करने पर हमें पाकिस्तान का एक YouTube चैनल मिला, जिस पर वीडियो 29 मार्च 2020 को पोस्ट किया गया था, जिसमें ये जानकारी दी गई कि मनसेहरा पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों को मुर्गा बनने की सजा दी। इस जानकारी के साथ हमने आगे की पड़ताल की। आगे की सर्च में हमें पाकिस्तान के पॉपुलर न्यूज चैनल का एक क्लिप मिला। इसे भी 29 मार्च 2020 को ही पोस्ट किया गया था और इसमें भी यही जानकारी दी गई थी कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मनसेहरा में पुलिस ने उन लोगों को मुर्गा बनाया जो लॉकडाउन तोड़कर सड़कों पर बेवजह घूम फिर रहे थे। जाहिर है जिस दावे के साथ वीडियो को वायरल किया जा रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। वीडियो उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पाकिस्तान का है, वो भी साल 2020 का,
जब कोरोना की वजह से पाकिस्तान में भी लॉकडाउन लगा था। कुछ लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने मुर्गा बनाकर ऐसे लोगों को सजा दी। चैन कुंडू के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक सड़क की तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। तस्वीर काफी ऊंचाई से ली गई ही लगती है। ये एक हाईवे की फोटो है जिसमें सड़क को एक पेड़ की वजह से घुमाया हुआ दिखाया गया है। लोग सड़क बनाने वाले उस ठेकेदार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ठेकेदार ने सिर्फ इसलिए इस सड़क को घुमावदार आकार दे दिया ताकि पेड़ ना काटना पड़े। लेकिन जब फैक्ट चेक टीम ने वायरल तस्वीर की पड़ताल की तो क्या नतीजा सामने आया, इस रिपोर्ट में देखिए। सोशल मीडिया पर एक सड़क की फोटो तेजी से वायरल हो रही है। इसे शेयर करते हुए कई लोग उसे बनाने वाले ठेकेदार की तारीफ कर रहे हैं। तारीफ की वजह सीधी सड़क के बीचों बीच दिख रहा ये पेड़ है। दरअसल पेड़ के पास की सड़क मुड़ी हुई है और इसी वजह से लोग ये मानकर ठेकेदार की तारीफ कर रहे हैं। पेड़ ना काटना पड़े सिर्फ इसलिए ठेकेदार ने इस सड़क को घुमावदार आकार में बना दिया। इस तस्वीर को कई वेरिफाइड फेसबुक यूजर्स ने भी शेयर किया है। क्राउड टैंगल टूल की मदद से हमें पता चला कि पिछले 30 दिनों में इसे करीब 80 बार शेयर किया गया और इस बार तकरीबन 5,40,000 इंटरेक्शन यानी कि लाइक, कमेंट और शेयर हुए हैं। वायरल तस्वीर जब हमारे सामने आई तो पहली नजर में तो वाकई ये तारीफ वाली बात लगी, लेकिन फैक्ट चेक टीम ने ऐसी कई तस्वीरों को एडिटेड साबित किया है, लिहाजा इस तस्वीर की पड़ताल भी जरूरी थी। वायरल पोस्ट की जांच के लिए हमने 3 बातों को ध्यान में रखा। ये तस्वीर कहाँ की है और कितनी पुरानी है, इस सड़क का डिजाइन किसने किया था और इसे किस ठेकेदार ने बनवाया था, तस्वीर असली सड़क की है या फिर इसे एडिट किया गया है। अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले हमने इस फोटो को रिवर्स सर्च किया। सर्च करने पर हमें ये फोटो कोरियन भाषा के एक ब्लॉग में मिली। यहाँ बताया गया है कि ये तस्वीर जेसोक यी नाम के एक एड डिजाइनर ने बनाई है। अपनी पड़ताल को पुख्ता करने के लिए हमने जेसोक यी के सोशल मीडिया अकाउंट को भी खंगाला। यहाँ हमें वायरल सड़क की तस्वीर मिल गई। जेसोक यी ने अपनी वेबसाइट और फेसबुक पेज पर इसी फोटो को शेयर किया था। अपने फेसबुक पोस्ट में जेसोक यी ने जो जानकारी दी है उससे पता लगता है कि ये एक विज्ञापन था जिसे पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए बनाया गया था। फोटो के बारे में और जानकारी पाने के लिए हमने ईमेल के जरिए जेसोक यी से संपर्क किया। उन्होंने हमें बताया कि ये फोटो किसी घुमावदार सड़क की नहीं, इसे सॉफ्टवेयर की मदद से ऐसा लुक दिया गया है। अब तक की पड़ताल में ये तो साफ हो गया कि वायरल हो रही ये तस्वीर असली नहीं है, एडिटेड है। लेकिन एक सवाल अभी भी बना हुआ था कि आखिर किस तस्वीर को एडिट किया गया, सड़क की असली तस्वीर कहाँ की है। थोड़ी और खोजबीन करने पर हमें कम्युनिटी डिस्कशन की एक वेबसाइट का लिंक मिला जहाँ इस फोटो की छानबीन की गई। यहाँ बताया गया है कि ये फोटो दरअसल गेटी इमेजेस वेबसाइट पर मौजूद एक सड़क की फोटो को एडिट करके तैयार की गई है। अब हमने गेटी इमेज पर मिली तस्वीर और वायरल हो रही तस्वीर का मिलान किया तो दोनों ही तस्वीरों में पीछे की तरफ दिख रही 4 कारें एक ही स्थिति में हैं। असली फोटो में सड़क एकदम सीधी है। जाहिर है एडिटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से इसे घुमावदार बनाया गया है।
हमारी पड़ताल में एक बार फिर ये साबित हो गया कि एक एडिट की हुई फोटो को गलत दावे के साथ वायरल किया जा रहा है। ये फोटो पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए बनाए गए एक विज्ञापन की है, जिसे दक्षिण कोरिया के एड डिजाइनर जेसोक ई ने बनाया था। जेसोक ई ने हमारे फैक्ट चेक टीम को भी बताया कि वायरल हो रही तस्वीर किसी असली घुमावदार सड़क की नहीं, इसे ग्राफिक डिजाइनिंग के जरिए बनाया गया है। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज़ टुडे।